हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सीखते हैं एक्टिव से पैसिव वॉइस। इट मींस हाउ टू कन्वर्ट एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस। बेसिकली इट इज बेस्ड ऑन डू डज डिड। इट मींस एक्टिव वॉइस में जहाँ डू डज और डिड होता है, पैसिव वॉइस में हम उस जगह पे क्या लिखते हैं और इसमें कॉमन सी बात जो होती है वह क्या होती है, इसके बारे में आइए हम इस ग्राफ के थ्रू देख लेते हैं। जहाँ भी डू डज होता है एक्टिव वॉइस में, पैसिव वॉइस जब हम कन्वर्ट करते हैं तो इस डू डज के जगह पर इज एम और का प्रयोग कर लेते हैं। इट मीन्स जस्ट एज सब्जेक्ट। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होता है तो हम इज का प्रयोग कर लेते हैं, सब्जेक्ट अगर प्लूरल होता है और का प्रयोग कर लेते हैं, अगर सब्जेक्ट के रूप में आई का प्रयोग होता है तो एम का प्रयोग कर लेते हैं। जस्ट डू का पास्ट होता है डिड, तो सिंपल सी बात है इज एम आर ये बी का फर्स्ट फॉर्म होता है। बी का सेकेंड फॉर्म के रूप में क्या यूज करते हैं, इट मीन्स बी को पास्ट में क्या यूज करते हैं, वाज वर। एक्टिव वॉइस में जहाँ पे डू डज डिड का यूज आता है तो पहले लिखता है सब्जेक्ट, फिर डू और डज, यह प्रेजेंट में यूज करते हैं, डिड पास्ट में यूज किया जाता है। तो डू डज और डिड कोई भी आए और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, चूंकि डू डज डिड के साथ यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लिखा जाता है, तो पैसिव वॉइस जब हम कन्वर्ट करते हैं तो ऑल टाइम इस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म की जगह पे थर्ड फॉर्म लिखना होता है। पैसिव वॉइस जब भी आपको बनाना है तो थर्ड फॉर्म तो लिखना है। बस आपको करना क्या है कि जहाँ पे डू डज डिड जो होता है इसी की जगह पे हमें इज एम आर वाज वर का प्रयोग कर लेना होता है। और देखते हैं सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, यहाँ पे इसको हम रिप्लेस करते हैं। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पर रिप्लेस किया जाता है। ऑब्जेक्ट को जब सब्जेक्ट की जगह पे लाएंगे तो इस ऑब्जेक्ट का सब्जेक्टिव केस लिखना होता है। फिर डू डज हटा देते हैं, इज एम और का प्रयोग कर लेते हैं, डिड अगर होता है तो हटा कर वहाँ पे वाज वर का प्रयोग कर लिया जाता है। फिर वर के थर्ड फॉर्म को पैसिव वॉइस पे हमेशा लिखते हैं। फिर जहाँ सब्जेक्ट होता है इसको ऑब्जेक्ट की जगह पे लाइए तो ऑब्जेक्टिव केस में वह लिखा जाएगा। जब यहाँ पे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट रिप्लेस्ड होंगे तो जिस जगह पे वो जाएंगे उस केस में उसको हम चेंज कर देते हैं। आई एग्जांपल देखते हैं। ही डज नॉट प्ले क्रिकेट, आप देख रहे हो यहाँ पे डज है, डज या डू हटाएंगे, इज एम आर यहाँ पे लिख देना होगा। और पैसिव वॉइस में चूंकि थर्ड फॉर्म यूज करते हैं इसलिए यहाँ पे प्ले की जगह पे प्लेड लिख देना होगा। और क्या करना होगा, इस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के जगह पे रिप्लेस्ड करना होगा। आइए करते हैं, ही के जगह पे हम लाते हैं क्रिकेट को, क्रिकेट जस्ट आगे बढ़िए। डज, डज हटाना है क्योंकि डज एक्टिव में हो सकता है, पैसिव में नहीं। पैसिव में उसके जगह पे एज एम आर का प्रयोग करेंगे, तो क्रिकेट चूंकि सिंगुलर है इसलिए यहाँ पे हम इसका प्रयोग करेंगे। कोई भी खेल का नाम सिंगुलर होता है। आगे चलिए नॉट, और आगे चलिए प्ले, वर्ब है। और जब भी पैसिव बनाते हैं तो निसंदेह जो मेन वर्ब होता है उसका थर्ड फॉर्म यूज कर लेते हैं। आगे आइए, अब यहाँ सेंटेंस में क्रिकेट बचा हुआ तो लिख चुके हो, अब यहाँ पे हम बाई का प्रयोग करके इस पर्सन को लिख देते हैं। ही को जब यहाँ पे लाएंगे तो ऑब्जेक्ट के जगह पे आ रहा है और वो ऑब्जेक्टिव केस में हो जाएगा। वेरी सिंपल। यहाँ पे है डू, डू के जगह पे ही हम इसको या आई एम को या आर को लिखेंगे, वह डिपेंड करेगा कि इस सब्जेक्ट की जगह पे कौन सा ऑब्जेक्ट आ रहा है। यह सब्जेक्ट यू है, ऑब्जेक्ट इंग्लिश है। इंग्लिश जब यहाँ पे आएगा तो आप जानते हैं इंग्लिश क्या है, एक लैंग्वेज है, एक सब्जेक्ट है। तो कोई भी लैंग्वेज और सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर में होता है, तो सिंगुलर नंबर इट मीन्स यू की जगह पे इंग्लिश आ रहा। यू क्या है, प्लूरल है, लेकिन वहाँ पे इंग्लिश आ रहा है, सिंगुलर हो जा रहा है। सिंगुलर जब होगा तो डू हटा करके सिंगुलर के लिए इज का प्रयोग करते हैं। इंग्लिश को यहाँ पे लिखते हैं इंग्लिश, राइट, क्योंकि पैसिव वॉइस में हमेशा हम थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं इसलिए राइट का क्या हो जाएगा यहाँ पे, रिटेन, रिटेन। और आगे बढ़ते हैं, बाई का प्रयोग कर लेते हैं और यू का ऑब्जेक्टिव
यू, यू को जब ऑब्जेक्ट की जगह पे लाएंगे तो ऑब्जेक्टिव केस, तो यू का सब्जेक्टिव भी यू, ऑब्जेक्टिव भी यू होता है। आइए नेक्स्ट एग्जांपल, ही डिड नॉट हेल्प मी, यहाँ पे क्या देख रहे हैं, डिड, डिड अगर दिया है तो श्योर हटा करके वहाँ पे हमें वाज वर्ब का प्रयोग करना है। यह डिपेंड करेगा कि सब्जेक्ट की जगह पे कौन सा ऑब्जेक्ट आ रहा है। देखिए मी, मी ऑब्जेक्ट है, आई का ऑब्जेक्टिव केस है मी, मी को जब पहले लाएंगे तो यहाँ सब्जेक्टिव केस हो जाएगा, मी का सब्जेक्टिव केस आई। ओके, अब आई के बाद यहाँ डिड है, डिड को हटाना है, डिड के जगह पे वाज वर्ब लिखेंगे तो आई के साथ हम वाज का प्रयोग करते हैं। अब पैसिव वॉइस में आपको दिए गए वर्ब का थर्ड फॉर्म ही लिखना है, यह डू हो, डज हो, डिड हो, कोई भी रहेगा, लेकिन हमें पैसिव में थर्ड फॉर्म ही लिखना है मेन वर्ब का। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो मी ये लिखा जा चुका, तो बाई का प्रयोग करके जो दिया गया पर्सन होता है यहाँ पे केस चेंज कर देते हैं, जैसे ही, ही का ऑब्जेक्टिव केस हीम हो जाता है। ओके नेक्स्ट, वाई डिड दे वॉश द क्लॉथ्स, यह वाई जस्ट एक क्वेश्चन वर्ड है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया डिड और ऑब्जेक्ट है द क्लॉथ्स। सब्जेक्ट की जगह पे आपको ऑब्जेक्ट लाना है, ऑब्जेक्ट की जगह पे सब्जेक्ट को ले जाना है, डेट्स रिप्लेस्ड, और दिए गए वर्ब का थर्ड फॉर्म, वॉश का थर्ड फॉर्म वॉश्ड। अब यहाँ बचता है डिड, डिड के जगह पे हमें क्या लिखना है, डिड के जगह पे लिखना है वाज अवर, इन दोनों में से कोई एक लिखना है, तो डिपेंड करेगा कि यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में कौन सा ऑब्जेक्ट आ रहा है, द क्लॉथ, द क्लॉथ, क्लॉथ का ये प्लूरल है, द क्लॉथ, क्लॉथ प्लूरल है, इसलिए यहाँ पे वर का प्रयोग कर लेंगे, वाई वर द क्लॉथ, वाई वर द क्लॉथ, वाज का थर्ड फॉर्म यहाँ पे यूज होगा वास्ट, वाज का थर्ड फॉर्म वास्ट। फिर आगे बढ़ते हैं बाय, और दे का ऑब्जेक्टिव, जब बाय का प्रयोग कर लेंगे तो दे का, चूंकि सब्जेक्ट जो दे है यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस में लिख देते हैं। ओके नेक्स्ट, डिड सी नॉट सिंग अ मेलोडी सॉन्ग, इसमें देखते हैं सब्जेक्ट के रूप में लिखा गया है सी और ऑब्जेक्ट के रूप में है अ मेलोडी सॉन्ग, अ मेलोडी सॉन्ग, चूंकि सॉन्ग ऑब्जेक्ट है उसको मॉडिफाई कर रहा है, मेलोडी सॉन्ग, अ मेलोडी सॉन्ग, तो यहाँ पे सी के जगह पे यहाँ पे अमिलोडी सॉन्ग आएगा। अमिलोडी सॉन्ग क्या है, सिंगुलर नंबर है, और सिंगुलर नंबर है तो श्योर है कि डिड के जगह पे हम वाज का यहाँ पे प्रयोग कर लेते हैं, वाज सी के जगह पे लिखेंगे अमिलोडी सॉन्ग। आगे बढ़ते हैं नॉट, और जहाँ पे मेन वर्ब मिलेगा उसी का हमें थर्ड फॉर्म लिखना है, सिंग, सिंग का थर्ड फॉर्म यहाँ पे संग। आगे बढ़ते हैं, अब यहाँ पे नो वर्ड बाई का प्रयोग कर लेंगे और जो सब्जेक्ट है ऑब्जेक्टिव केस में लिख देते हैं, सी का ऑब्जेक्टिव केस हर। नेक्स्ट, व्हेन डज सी कुक फूड, आप देख रहे हो यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में सी, ऑब्जेक्ट के रूप में फूड है, इन दोनों को हमें रिप्लेस करना है। ओके, कुक का थर्ड फॉर्म लिखना है, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म ही लिखना है, और डू या डज दिया रहेगा तो इज एम आर का प्रयोग करना होगा। अब यहाँ देख रहे हैं फूड आ रहा है, फूड क्या है, यह सिंगुलर नंबर है, सिंगुलर नंबर है तो यहाँ पे इज का प्रयोग कर लेंगे, यह हो जाएगा व्हेन इज, और सी के जगह पे यहाँ पे हो गया फूड, फूड सिंगुलर है इसलिए यहाँ पे डज हटाएंगे तो इज एम आर में हम सिंगुलर के लिए इज का प्रयोग कर लेते हैं। आगे चलिए, कुक पैसिव बना रहे हैं, थर्ड फॉर्म लिखिए, फिर बाय का प्रयोग करते हैं, और जो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट है इसको यहाँ ऑब्जेक्ट की जगह पिलाते हैं और ऑब्जेक्टिव केस में लिख देते हैं, तो सी का ऑब्जेक्टिव केस होता है हर। इस प्रकार से यह डू डज डिड से रिलेटेड जो पैसिव वॉइस है यह आप इसको अच्छे तरीके से वाच कर सकते हैं, समझ सकते हैं, इसमें कोई कन्फ्यूजन की बात नहीं है। नेक्स्ट वॉइस से रिलेटेड वीडियो वेरी सून आई विल अपलोड, श्योरली, थैंक यू।